अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने पार्ट नंबर वीडियो के इस पार्ट नंबर वन पे देखा, हमने ज़रीफ़ ख़ान की यूके पे आने की पूरी डिटेल बताई थी। मगर आज हम आपको बताएंगे उनकी फैमिली का बैकअप और उनकी शोहरत कितनी थी। ज़रीफ़ ख़ान इसलिए वहाँ इतने मशहूर थे यूके में कि वो गरीबों को बहुत मदद करते थे। जिनके पास पैसे ना हो उनको फ्री पे बर्गर दे देते और कहते थे तब हुए तो दे देना। ज़रीफ़ ख़ान के बर्गर खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे, यहाँ तक के लोग 100 किलोमीटर भी दूर से आया करते थे। आस्ता आस्ता पूरे यूके में ज़रीफ़ ख़ान के बर्गर मशहूर होते गए और उनका नाम पूरे अमेरिका पे फैल गया। इस तरह ही ज़रीफ़ ख़ान हर साल अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान पे जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान तब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो ज़रीफ़ ख़ान पाकिस्तान की साइड पे थे, इसलिए वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। ज़रीफ़ ख़ान हर साल अपने मुल्क पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे रहते थे। उनकी वहाँ 3 मस्जिद भी थी, उनके बेटे भी थे, उनकी फैमिली पे उनके 5 बेटे बेटी और उनकी एक बीवी फातिमा भी थी, जिनको वो बाद पे तो यूके ही ले आए। कहा जाता है ज़रीफ़ ख़ान तब कत्ल हुए, उनकी एक रिलेटिव ने उनका कत्ल कर दिया उनसे हसद करके। और ये बात ऐसे स्ट्रेट पे फैल गई जैसे आग फैलती है और उनकी याद पे लोगों ने ये मुजस्मा बना दिया। आज भी लोग ज़रीफ़ ख़ान को अच्छे लफ्ज़ों से ही याद करते हैं और आज उनकी जो फैमिली है वो यूके में ही है। तो गाइस, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।